हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, ये गार्डन का ओवरव्यू है। तो मैं इसमें आपको सभी प्लांट दिखाने वाली हूँ, बास्केट के और कुछ इंडोर प्लांट, कुछ आउटडोर प्लांट और कुछ फूल वाले, मतलब सभी तरह के प्लांट है। जो भी मेरे प्लांट मेरे पास गार्डन में है, मैं सारे ही प्लांट आपको दिखाने वाली हूँ। और इसमें दिखाने वाली हूँ कौन सा प्लांट चल रहा है, कौन सा कटिंग से लगाना है और क्या क्या इसमें छोटे मोटे वर्क करने, वो मैं सब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये सबसे सस्ता प्लांट है और सबसे अच्छा, देखिए ये 12 महीने वाला प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। इसको आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। ये कितनी ग्रीनरी दे रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो, बोल की कोई भी शेप आप इसमें दे सकते हैं। ये प्लांट बहुत बेस्ट है वास्केट के लिए, और ये सभी में चलता है, वास्केट में क्या, गमले में क्या, सभी छोटे से डिब्बे में भी चल जाएगा। और एक इसके बाद ये मैं दिखाती हूँ, ये अरेलिया का है, वेरी गुड। तो ये भी कितना खूबसूरत लगती है, इसकी पत्तियाँ ये देखो बहुत ही प्यारी लगती है। इसको भी बास्केट में आप रख सकते हैं। तो इस समय बास्केट आप काफ़ी सारी बना सकते हैं। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनकी बास्केट जीली बन जाती है और ये बास्केट में बहुत सुंदर लगते हैं। और इनको ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं होती, कहीं भी इसको लटका सकते हैं। अगर हमारे पास नीचे नहीं है ज़मीन तो हम बास्केट को कहीं भी लटका सकते हैं। ये देखो, ये शीडम का है, ये कितनी ग्रीनरी दे रहा है। अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो इस प्लांट को लगाना नहीं भूलें। ग्रीनरी के लिए ये प्लांट आप लगा सकते हैं। और इसके बाद सीडम के बाद मैं दिखाती हूँ, ये भी आईवी प्लांट है, इंग्लिश आईवी। ये भी बहुत अच्छा होता है, देखो बैरीगेटेड है, तो ये भी बहुत सुंदर इसकी लीव्स लगती है। देखो कितनी खूबसूरत वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, बहुत प्यारा लगता है। इसकी भी आप बास्केट बना सकते हैं। और एक मेरा इधर ये छिपकली बेल ही कहते हैं हम इसे, तो ये देखिए ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये छिपकली की तरह से चिपक चिपक के चलता है, तो ये बहुत सुंदर लगता है। ये कलर बहुत सारे चेंज करता है, तो इसलिए ये प्लांट मुझे बहुत खूबसूरत लगता है बास्केट में। ये देखिए, मैंने 2-3 बार आपको दिखा दिया, तो ये इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप भी जो है आगे बना सके, ये बास्केट के लिए आप तैयार कर सके। तो ये देखिए, एक ये है, एक ये सिंगोनियम का भी मेरे पास कई सारे हैं। तो एक ये है ग्रीन पत्ती का, इसको भी आप बास्केट में तैयार कर सकते हैं। और एक ये है टीयर्स, बेबी टीयर्स, तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। इसकी जो लीफ है, ये छोटी छोटी पत्तियाँ इसमें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये भी एक देखो कितना सुंदर ये इसका बास्केट बन जाता है, देखो बाद में कैसे सुंदर लगता है। ये इसकी भी बास्केट हम तैयार कर सकते हैं। ये पेलोनिया है, तो इसमें ये देखो ये बाइन है, ये भी एक तरह की, तो इसका जो लीफ होता है बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये परमानेंट प्लांट है, विंटर में थोड़े स्लो चलते हैं, तो ये भी परमानेंट है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसकी पत्तियाँ जो है बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो इसको भी लगा सकते हैं अपनी बास्केट में। और भी मेरे पास बहुत सारी है बास्केट, तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो ये पूरा दिखाना है तो बहुत लंबी हो जाएगी पूरा गार्डन का। ये देखो, ये देखो, ये वेंडिंग जो है, ये भी कितनी खूबसूरत लग रही है बास्केट में, देखो कितना प्यार। और ये पर्पल हार्ट है, तो इसको भी हम बास्केट में लगा सकते हैं। और एक हमारे पास देखो ये है, ये रियो प्लांट, ये भी बास्केट में हम लगा सकते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत लगता है बास्केट में, और जगह भी नीचे नहीं गिरता। अगर जगह कम है नीचे तो ये ऊपर हम लटका देते हैं कहीं भी, जहाँ भी हमारे पास जगह है। और ये अजवाइन का है, तो इसको भी हम बास्केट दे सकते हैं। ये देखो, अब इसको छोटी छोटी करके इसको ये घना बना सकते हैं इसको। और ये भी देखो बास्केट में है, कितनी खूबसूरत लग रही है, ग्रीनरी दे रही है ये भी। और ये देखिए, ये भी छोटे छोटे प्लांट येलो डिब्बों में, येलो मेरे बास्केट में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें कई सारे हैं, अगर बड़ी बास्केट है आपके पास तो उसको मिक्स करके कई सारे प्लांट हम लगा सकते हैं। तो अभी और भी है मेरे पास, लेकिन काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं इसलिए कुछ प्लांट, और मैंने भी इसको बाय किया है, ख़रीदा है। तो ये देखिए, ये अंदर से महरूम है और ये हिबिस्कस है, और ये पिंक, डार्क पिंक है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। तो ये भी मैंने बाय किया है गुड़हल का, इसमें कई सारी कलियाँ, फ्लावर कई सारे हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, मैंने इसको ले लिया। अगर आपको ये परमानेंट प्लांट चाहिए जिसमें पत्ती भी खूबसूरत लगे और फूल भी खूबसूरत लगे, तो ये एपिसिया, ये इसको प्लांट को ले सकते हैं आप, इसके कई सारे नाम हैं। तो ये देखो कितना खूबसूरत लगता है,
ये परमानेंट प्लांट है, बस विंटर में ये आपको लगेगा कि ये चला गया, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन नीचे इसके ऐसे बल्ब टाइप के रहते हैं, तो वो जो है फिर फरवरी में फिर दोबारा से ग्रो हो जाते हैं। बहुत सुंदर प्लांट है ये, देखो पहले ऑरेंज आता है इसका, ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे इसका फूल, और फिर ऊपर से इस अंदर से इसके कुछ येलो कलर का निकलता है। और ये इधर एग्लोनीमा है, और इधर देखो ये होया प्लांट है, ये पत्तियाँ इसकी बहुत खूबसूरत लगती हैं, अलग अलग बहुत सारे। ये मिर्ची है, किसी ने देखो मिर्च के लिए पूछा था, तो ये पर्पल हो गई है, पहले ग्रीन थी और ये पर्पल हो गई, फिर इस तरह से ये ऑरेंज हो जाएंगी, पक जाएंगे। तो ये देखिए, और इधर हमारा ये थूजा प्लांट है जो विद्या का, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। और इधर मेरे ये सारे कितनी ग्रीनरी बनी हुई है, ये देखो अलग अलग सारे प्लांट है। और ये मेरा देखो इस पर शंख पुष्प पे काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं इस पर, ये सिंगल पटल में है। और इधर मेरे सारे हिबिस्कस, लाल वासा और मिक्सिंग है प्लांट की इसमें सभी हैं। और ये चंपा, बहुत सारे हैं मतलब अलग अलग हैं। और कनेर, मोगरा, अपराजिता, और ये फूल ये देखो कितने सारे मॉस रोज पर्सनेल के। और इधर बहुत सारे अलग अलग प्लांट हैं मेरे, ये देखो वेरिएटेड ये है मेरे पास। ये देखो ये चाइनीज पालक, ये भी फूल देता है, ये देखो अभी पूरा खिला नहीं इसका। हिबिस्कस, गुलाब की अच्छी अब बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है इस समय, तो ये बारिश से जो है इस तरह के हो गए हैं, देखो ये पूरा नहीं खिल पा रहे और ऊपर से इस तरह से हो गए, तो ये तो धूप लगती इन पर तभी खिल पाते हैं, ये गुलाब बिना धूप के नहीं खिलते, ये उसकी वजह से हो रहे हैं, जैसे ज़्यादा बारिश है हमारे यहाँ पर तो ये इस वजह से है, और कोई बात नहीं। तो ये जैसी धूप निकलेगी फिर से ये अच्छे से हो जाएंगे, फिर खिलने लग जाएंगे पूरे पूरे। इधर देखिए हिबिस्कस के खिले हुए हैं, हिबिस्कस के तो मैंने पता नहीं कितने सारे बढ़ा लिए हैं, बहुत सारी वैरायटी इसमें हिबिस्कस में मैंने काफ़ी सारी बढ़ा ली। ये एगजोरा है, एगजोरा के भी मेरे पास 3-4 हैं, दिखा मैं एक रही हूँ। और यहाँ देखिए ये अमरूद है, अमरूद का प्लांट है, फल के भी मैंने लगा रखे हैं, एक चीकू का भी है, ये देखो इधर है वो, उधर यहाँ पे रखा हुआ है, फल के कई सारे बढ़ा लिए मैंने। ये गोल्डन थ्रेलिस है, ये फूल भी इस पर लगा ही रहता है। और ये आजकल देखो ये लिलीज भी, रेन लिलीज ये खिली हुई है, मेरे पास 3 कलर की हैं, कुछ खिल रही हैं कुछ, आजकल इनका भी सीजन है। ये देखिए काफ़ी सारा, इधर ये प्लूमेरिया है, इस पर फूल नहीं आया, ये प्लांट बहुत बड़ा हो गया, तो हो सकता है इस पर बड़ा होके तभी फूल आए। और यहाँ मेरा ये देखो ये सारे, इस पर दोबारा से फूल आ गया है, ये देखो जैस्मिन पे, ये मधुकामनी जो होती है, तो ये भी अच्छा प्लांट है, ये भी अगर आप लेना चाहें अभी भी नर्सरी में आ रहे हैं इसको ले सकते हैं। इधर हमारे जल्दी जल्दी बताती हूँ, ये तो ये कोलियस रखे हैं कई सारे कलर के। और ये देखिए ये मनी प्लांट अलग अलग तरह के हैं, ये बहुत अच्छे चल रहे हैं, इनको आप कटिंग 6 लगा सकते हैं। और ये देखिए ये कितने बड़े बड़े हो गए, मदर थर्गन, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इसमें, ये देखो ये वेरी ग्रेट पर्सनल। यहाँ देखो ये सब अलग अलग प्लांट मेरे रखे हैं, ये मनी प्लांट गोल्डन, और उधर देखिए रियो प्लांट की वैरायटी में भी मेरे पास कई सारे हैं, ये देखिए 3 वैरायटी यहाँ पे रखी हैं। और ये हमने जो शिव जी का ये बनाया था, ये देखो ये भी कितने पर्पल कलर के इसमें ये फूल लगे हैं, ब्लू कलर के, देखो कितने सुंदर सुंदर यहाँ अंदर की तरफ लटके हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे शिव जी के ऊपर ये लटके हुए हैं। ये टोपायरी बनाई थी मैंने, ये देखो इसकी दूर से दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत लगती है, और अब तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी पकड़ ली है इसमें। और ये जो लगाए थे हमने जेट प्लांट का, ये राउंड वाला बनाया था, ये भी चल गया। और एक टोपायरी मैंने देखो ये भी बनाई थी, ये भी चल गई हमारी, ये वाइट फूल है, देखो वाइट फूल आज आ भी गया इस पर, ये भी सिंगल पेटल का ही लग रहा है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये हमारे यहाँ हमारा एलोमंडा का रखा है, और ये देखिए इंडोर प्लांट भी है, ये कैलेडियम देखो कितना खूबसूरत लगता है, इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं।
ये मेरा, ये देखो। और देखिए इधर मेरे कलेंच हुए काफ़ी सारे, तो इसको भी आप कटिंग से अभी भी लगा सकते हैं। इसमें बहुत ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं, छोटे छोटे ऊपर से टिप्स ले लो टॉप से, तो वो काफ़ी सारे आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये अभी भी मतलब इसको बना सकते हैं बहुत सारे उसमें। और बारिश का समय हो गया है तो इसलिए अंधेरा सा हो गया है। तो ये देखिए मेरे सारे इतने सारे रखे हैं। और ये देखिए आपका ये मदर थाउजेंड, इसमें तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी हैं अलग अलग, दो तीन वैरायटी हैं। ये देखो ये अलग वैरायटी का है, तो ये भी कितना खूबसूरत लगता है, बहुत सारे हैं। तो इसको भी एक बार आप ले आओगे तो इतने सारे आपके प्लांट बना देगा ये। इसका नाम ही मदर थाउजेंड है। और इधर देखिए ये मेरा, ये कुछ ऐसे होता जैसे बेंडिंग जू होता, तो ये उसी में होता, उसी की कुछ वैरायटी है ये। और ये देखिए मैंने कटिंग से ये ज्वाइन के कितने सारे लगा लिए हैं। और इधर भी मेरी देखो कटिंग रखी है, ये सब चल गई है। और यहाँ भी ये देखो मैंने सब उसी से लगाए हैं प्लांट, कुछ कटिंग से कुछ अलग अलग जैसे डिवाइड करके। ये भी देखो ये सब, और ये भी कटिंग से लगाया जेरेनियम का, और ये सब कटिंग से लगाए हैं, बहुत सारे कटिंग से भी लगाए मैंने। और ये भी देखो मेरा कलेंचियो है, इसमें भी कटिंग से लगाया, ये भी चनरोजा कटिंग से लगाया, बहुत सारे प्लांट हैं ऐसे। तो ये देखिए इधर काफ़ी सारे प्लांट मेरे रखे हैं। और ये मेरा अरेलिया का है, ये देखो अरेलिया का मेरा ये रह गया है, मेरे पास तीन प्लांट थे, एक ही बचा है मजेंटा कलर का, बाकी दो प्लांट मेरे चले गए। और ये देखिए बिगोनिया की, अभी भी आप कटिंग लगा सकते हैं, तो इसको बिल्कुल भी बारिश में मत रखना और बिल्कुल भी पानी मत डालना। आजकल अगर बारिश हो रही है आपके यहाँ, ये जरा सी नमी से भी हो जाते हैं, अगर हम इसमें आजकल बरसात में पानी डालेंगे तो ये गल जाएंगे। तो देखिए मैंने तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, अगर सूख गया है तो बिल्कुल छीटा सा दें इसमें स्प्रे टाइप में नीचे, वो भी पत्ती में बिल्कुल ना दें। तो इसमें देखो फूल भी बने हुए हैं। तो ये मैंने कटिंग से लगाया, तो ये कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, इसको जेरेनियम भी बोल देती हूँ। तो ये देखिए ये कलेंचियो, ये सब मेरे सारे अच्छे चल रहे हैं। और इधर भी ये देखो कितने अच्छे से चल रहे हैं सारे। और ये मैंने ये कटिंग से ही बचा लिए हैं अपने, ये विनका के। और इधर भी देखो कटिंग लगाई है इनकी, सबकी कुछ इस तरह चल रहा है। ये भी देखो वही वाइन है, तो ये थोड़ा सा कलर अलग है, तो ये कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे ये इंडोर प्लांट भी रखे हुए हैं। और ये लैला मजनू है, ये देखो ये टमाटर है, टमाटर के लगा सकते हैं अभी भी आप। ये मेरे टमाटर चल रहे हैं, ये देखो कितने सारे लगे हुए हैं, ये सारे प्लांट है। और ये देखो इधर आपका ये कोलवेश और पेंटास भी बहुत अच्छी फूल दे रही है आजकल। ये पेंटास पे तो तब से लिया है मैंने विंटर से, ये परमानेंट प्लांट होता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं, कटिंग से इजीली लग जाता है। ये भी एक ये है, एक ये है रेड वाला, तो इस पर मैंने जब से विंटर से लिया इस पर फूल बने हुए हैं। ये देखिए इतने सारे प्लांट रखे हैं मेरे। और यहाँ पर भी देखो ये डेविल्स है, और ये सारे मैक्सिकन पिटोनिया, ये सारे ये रंगीन पत्ती, ये बहुत ही सुंदर है, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं रहा। और ये हमारी गुलदपैरी मोसरोज जितने हैं वो सब रखे हैं, ये मैक्सिकन पिटोनिया वगैरह। और ये देखो मैंने ये मोसरोज बचा लिए हैं, क्योंकि कटिंग लगा लगा के, और वो भी सूखी मिट्टी में लगाओ, गीली मिट्टी में लगाओगे तो गल जाएगा। और इधर जैस्मिन का है, ये देखो कितना खूबसूरत फूल दे रहा है, ये आजकल काफ़ी नर्सरी में आ गए हैं। और ये भी ले सकते हैं मैरीगोल्ड का, ये भी देखो कितना खूबसूरत फूल लगता है इसका। बहुत सारे प्लांट हैं मेरे पास, मैं इसलिए जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। तो यहाँ भी ये देखो कितने खूबसूरत हैं, और यहाँ भी रखे हैं। और भी अब बारिश आ गई है, देखो जैसी मैंने जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तभी एकदम तुरंत बारिश आ जाती है। यहाँ हमारा देखो वाटर के अगर आप ख़रीदना चाहें, एक पीस भी आपको ये मिल जाता है नर्सरी में, बहुत रखे रहते हैं, तो 10 रुपये का एक पीस देते हैं, उसको आप ले सकते हैं। अगर किसी के पास है तो तब भी ले सकते हैं। ये प्लांट भी बहुत अच्छा लगता है, ये वाटर में चलता है। ये देखो मैंने टप में रखा है एक प्लांट में, इसमें मैंने कितने सारे प्लांट बना दिए इसके। अब ये बरसात में इतना अच्छा ग्रो होता है, बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं इसके। और यहाँ भी रखे हैं ये, और बारिश भी आ गई है। और यहाँ देखिए हमारे ये टिकोमा के भी खिले हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है टिकोमा के, मेरे पास 4-5 है, कलर भी 4-5 है मेरे पास। ये देखिए गोरी चोरी का भी कुछ कुछ ऐसे ही होता है, एक है मेरे पास गोरी चोरी। और ये देखिए
ये वाला प्लांट भी, इस पर भी फूल आ रहे हैं। और अब जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, ऐसे ही दिखा देती हूँ बिना नाम बताए, कितनी ग्रीनरी हो रही है। देखो ये काफ़ी सारे हैं मेरे पास, हिबिस्कस के तो बहुत सारे हैं। ये देखिए बारिश हो रही है उधर, तो अब मैं वहाँ से हट गई। ये देखिए सारे में पानी पानी हो रहा है, ये बारिश है इस समय बहुत। हमारे यहाँ तो बारिश बहुत तेज़ है, तो अभी तो धीरे धीरे पड़ी, अभी तेज़ आ जाएगी फिर। ये देखिए ये एक टिकोमा का ये भी है, ये देखो पानी पड़ा हुआ सब पे, बारिश चल रही है इस समय। और मैं पीछे हट गई यहाँ पे। ये देखो ये मेरे सारे गुलदावरी के अलग अलग कटिंग जो लगाई थी वो भी है। ये लाल सारी कटिंग लगाई है, कटिंग इस समय काफ़ी लगा सकते हैं, इस समय कैसी भी कटिंग आपकी चल जाएगी। ये देखिए कितने ग्रीन हो रहे हैं इस समय। और ये देखिए गोरी चोरी का प्लांट इतना बड़ा हो गया मगर फूल अभी तक नहीं आए इस पर, तो ये बड़ा होके तभी आएंगे इस पर फूल। और यहाँ हमारा ये विदेशी हमारा जो तुलसी होती है जैसे हमारे, तो ये भी वैसे ही होता है, ये वैसी होता है, तो ये भी खाने में काम आता है। बहुत सारे प्लांट है, फ्लावर प्लांट, किसी पे तो आ रहे हैं, किसी पे आ चुके हैं, तो किसी पे आने वाले हैं, बर्ड्स बनी हुए, सभी अलग अलग हैं। ये देखो कितनी सारी, अब मैं पीछे जा रही हूँ क्योंकि बारिश तेज है। और यहाँ इधर, और ये देखिए ये लेंटा ने हिबिस्कस है, तो इसकी फ्लावरिंग बीच में अभी 8-10 दिन हो गई थी, और फिर इस पर बाद में कलियाँ आई, तो ये देखो फिर आने लगी कलियाँ इस पर, फिर खिलने लगे फूल। देखो तो ये प्लांट बहुत मस्त होते हैं, तो ये 12 महीने बने रहते हैं, बहुत अच्छे प्लांट होते हैं, तो इनको भी आप ले सकते हैं कटिंग, और लेंटाना को कटिंग से ईजीली तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये भी यू पूर्विया की ही कोई वेराइटी है, तो ये भी देखो मैंने कटिंग से लगाई थी, कितनी सुंदर चल गई है। तो ये जो प्लांट होते हैं ये परमानेंट प्लांट होते हैं, और ग्रीनरी भी कितनी देते हैं। और ये देखो ये हमारे गार्डन में एक बार लगा लो तो चलते रहते, फिर ये कटिंग से आराम से लगा सकते हैं हमको। और ये देखिए ये लीफ वाला है, ये वेरीगेटेड, ये भी कितना सुंदर लगता है। इतने तरह के होते हैं इंडोर प्लांट में, तो बहुत सारी मेरे पास वैरायटी बढ़ गई है, तो एक दिन मैं आपको सारे दिखाने वाली हूँ, बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास। और इधर भी मेरे ये भी मैंने लगा लिया है, उससे कटिंग से लगा लिया, ये भी सारे ये कटिंग से जो मेरे मरने वाले थे मैंने सबको कटिंग से लगा लिया। ये देखिए ये पर्सनल भी, और यहाँ से ये इंडोर प्लांट है, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। और यहाँ ये देखिए टोर्निया का, और यहाँ पर ये कोलियस का मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, ये वाला कई कलर हैं इसमें। ये देखिए इसको भी कटिंग से अब लगा लो, अगर बड़े हो गए तो कटिंग से ज़रूर लगाएं, क्योंकि बड़े फिर अच्छे नहीं लगते, और जितनी नई कटिंग लगाओगे इसमें उतनी ही खूबसूरती आती है इनमें कोलियस में। बड़े होकर लैगे हो जाते हैं, फिर वो लटक जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो ये देखिए ये जीजी प्लांट भी बीच में रखा है, ये भी ग्रीन होता है काफ़ी। और यहाँ पर देखो ये अंधेरा आ गया क्योंकि बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से अंधेरा है। यहाँ भी कोलियस है अलग अलग। और ये मेरा क्रोटोन का है, ये डोट डोट वाला वेरीगेटेड। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत लगता है, विशन रोड को आप कैसे भी लगा सकते हो, बास्केट कैसे भी लगा सकते हो ये। और एक ये प्लांट होते हैं जो ये वेंडिंग जो, इनको भी कैसे भी लगा सकते हो। और ये देखिए कुछ इस तरह है ये प्लांट मेरे, बहुत सारे हैं ये देखो, ऐसे ही यहाँ से दिखा देती हूँ बिना नाम बताए। ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है, ये डेफिन बेकिया का, इसे एग्लोनीमा में बोलते हैं, चाइनीज एग्लोनीमा। और ये देखिए बहुत खूबसूरत है ये पिंक कलर का एग्लोनीमा। और यहाँ पर ये सब रखे हैं, ये नेपाली बता रहे थे कि ये नेपाली ये मनी प्लांट होता है ग्रीन, ये बहुत महंगा मिलता है, सबसे महंगा ये मनी प्लांट मैंने इसी को देखा है। और यहाँ पे ये जो मैंने बनाया था एक बाल हैंगिंग वाला थर्माकोल से, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये बेबी शनरोज, और ये अपने ये जीजी प्लांट जो होते हैं उन्हीं से बनाया था। और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, लग रहा कि ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये थर्माकोल का होगा। ये देखिए इधर से कितना ग्रीन हो रखा है, देखिए इधर भी सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक ठाक है, कोई भी सूखा नहीं है, मेरा प्लांट सब चल ही रहे हैं। और ये मैंने कटिंग से लगा लिया है, ये देखिए
ये मनी प्लांट, सिंगोनियम जो भी आप बोलते हो। और यहाँ भी फूल, ये देखो छोटे छोटे डिब्बों में। किसी ने बोला था कि आपके छोटे छोटे गमलों में कैसे चल जाते हैं ये पर्सनेल के, ये मोस रोज के। तो देखो मेरे तो इतनी सी छोटे सी डिब्बे में चल रहा है और फूल भी आ रहे, कितने बड़ा हो रखा है देखो। तो मैं तो साधारण मिट्टी बनाती हूँ, बस थोड़ा कंपोस्ट देती हूँ और नीम खली एक मुट्ठी बस देती हूँ इनको और ये चल जाते हैं। और ये देखिए कितने ये छोटे डिब्बे हैं सारे मेरे, ये देखो इतना 1 इंच का सारा है और टूट भी गया अभी 2-3 साल से है इसमें, ये 2-3 साल चल गया। ये जो हमारे ये मिठाई के या कुछ कोई चीज़ आती है इसमें खाने वाली, और ये डिब्बे देखो कोल्ड ड्रिंक के, इसमें भी चल गए देखो, इसमें भी फूल आ रहे। मैं किसी भी चीज़ में रख देती हूँ, जब मेरे पास कोई नहीं होता गमला तो मैं उसमें, पॉट नहीं होता, मैं किसी में भी रख देती हूँ। ये देखो कितने खूबसूरत चल रहे हैं छोटी छोटी इसमें डिब्बों में। और ये देखिए इधर भी ये मैंने इसमें ये रखी हुई है, ये तो कोल्ड ड्रिंक का है, इसमें भी ये रख दिया तो ये भी अच्छी चल रही है देखो ये। और इधर हमारे ये है, ये कमल है। और ये देखिए कितने सारे, ये देखिए ये वेंडिंग जो है कितना खूबसूरत कलर है इसका, ये देखिए। और ये आगे मैंने थोड़े थोड़े प्लांट रखे हुए हैं काफ़ी सारे सीढ़ियों में, और उस पर फूल आ रहा है देखो। ये वर्ड है स्पाइडर वर्ड, इस पर फूल भी आ रहा है। काफ़ी सारे प्लांट ऊपर भी रखे हैं और बारिश आ गई है ये देखो। तो बारिश में तो अब मैंने जल्दी जल्दी बना दिया सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ देखो प्लांट कितने ग्रीन और कितने खूबसूरत चल रहे हैं, और कौन सी बास्केट बना सकते हैं और कौन से हम इस समय हम खरीद सकते हैं, परमानेंट प्लांट कौन सा होता है। ज़्यादातर मेरे पास सारे ही परमानेंट हैं, अब इसमें सीजनल एक भी नहीं है, सारे परमानेंट हैं और सारे ही अच्छे से ग्रीन चल रहे हैं देखो बारिश की वजह से। अब कोई मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं करा, कुछ नहीं किया इस समय, क्योंकि ये बारिश से इतने लैगी हो गए, अगर हम और इनको फर्टिलाइज़र करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, गल जाएंगे, इसलिए इस समय फर्टिलाइज़र कम दें। अगर आपके यहाँ धूप है तो ज़रूर दें, तो हमारे यहाँ तो ये अगर हम देंगे तो पानी से निकल भी जाएगा। और ये जब हमारे पास ये ग्रीन इतना चल रहे हैं तो हमें कोई फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत इनको नहीं है। ये देखिए बिना फर्टिलाइज़र के जब इतने खूबसूरत चल रहे हैं तो इन्हें फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र करते हैं ये गल जाएंगे वैसे, तो इसी हिसाब से दें, अपने प्लांट के हिसाब से, अगर ज़रूरत है तो दें और ज़रूरत नहीं है तो नहीं दें। और ये वीडियो मेरी कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।